अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हाजरा यामीन और मैं इस वक्त हूँ आईडी क्रिएशंस और स्टिल इन एक्शन के सेट पे मौजूद हूँ। और मैं आज आपको एक सच बताना चाहती हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो कंपनीज है ना, ये इंतहाई फारिग है। दे ट्रामेटाइज देयर एक्टर्स, दे मैनिपुलेट देयर एक्टर्स, कनपट्टी में बंदूक रख के तो ये अपनी झूठी तारीफें करवाती है। ये ट्रामेटाइज करती है पूरी जिंदगी के लिए। दे मैनिपुलेट एक्टर्स। और ये जो इसमें जो डायरेक्टर है बने फिरते हैं, मतलब आजकल तो कोई भी मुंह उठा के डायरेक्टर बन जाते हैं ना, ये जहीरुद्दीन नाम है इनका, कोई काम वाम नहीं आता इनको। एवरी सिंगल वर्क जो मैंने इनका देखा है, जो मैंने इनके साथ किया है, ओरिजिनल तो नहीं है, इंस्पायर्ड है। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम योर नेबर्स, कैन यू इमेजिन दैट। और ये क्या अर्जुमन क्या अरमान, और ये हमजा और ये निदा, ये तो एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं। यहाँ पे तो टैलेंट बस आके बैठा रहता है और उसकी तो कोई है ही नहीं, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, मतलब भेड़ बकरियां हो गई ना। और ये जो यहाँ पे खाना मिलता है, हाँ पिछली बार लोगों ने मुझसे खाने की भी बात करवाई थी, इंतहाई गंदा खाना होता है, बासी गंदे किस्म के जूस ये ठेलो वालों से यहाँ पे ला के देते। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, ड्रिप लगी मुझे उसके बाद, इतना मेरा पेट खराब हो गया था। सुन ली अपनी झूठी तारीफ, मिल गया सुकून, चलो चलो सारे आए बड़े आईडी क्रिएशन जहीरुद्दीन। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। बॉस मुझे क्या पता था इतने बड़े लड़के ले आएगी प्रोडक्शन। जी दोस्तों, ये वीडियो देख के लम्हे भर को तो लगता है कि हाजरा यामीन बहुत ही मजलूम है, और ये देख के हैरत भी होती है कि वो इस कदर बहादुरी के साथ इस जालिम प्रोडक्शन हाउस के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। लेकिन वीडियो के इख्तिताम पे पता चलता है कि ये एक प्लांटेड वीडियो थी, और इसमें एक्ट करना हाजरा के लिए था एक बड़ा चैलेंज। लेकिन जो भी हो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हाजरा ने इस चैलेंज को इंतहाई कामयाबी से जीत लिया और है। इस कदर शानदार अदाकारी दिखा के और नेचुरल एक्सप्रेशन दे के सबके दिलों को जीत लिया है। लेकिन दर हकीकत ये प्रमोशन थी आईडी प्रोडक्शन की। लेकिन इसके पस मंजर में क्या किसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर वाकई ये सब कुछ होता है, ये तो हमें हमारे अदाकार ही बता सकते हैं। अलबत्ता इन दिनों एक प्रोडक्शन हाउस के ड्रामा के सेट के दौरान फायरिंग के वाकये के बाद से कुछ प्रोडक्शन हाउसेस पे खासी तनकीद भी की जा रही है,